3000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड कांटे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए हैं, कई महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा उनसे साफ कहिएगा हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को कहे बंटवारा। गुड। हमने देहात में यहां खातिर टहले गए कि मैंने जमीन और जोरू जोर के मैं तो कौन और के वही हालत। आज आप देखिए झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था एक लाइन बताइए, झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उनपे उनको काबिज होना था, अगर यहाँ वीडियो सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहाँ बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली जलता है? घंटा जलता है, कम से कम तो 18 घंटा जलता है। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में जो रांधा ओके भात में, कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल हो जाए बांग्लादेश जाती है, लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में सांसद का प्रतिनिधित्व करती है बकायदा मैडम से भी सवाल होता है। कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है, अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा।